Yes, students, you are welcome at Tarun Classes. Today we are going to start our first chapter of A Letter to God, written by G.L. Fans. What he wants to tell or ask from us. Before you read, वो बताना चाहता है, they say faith can move mountains. वो कहते हैं कि जो faith है, विश्वास है हमारा, वो mountains को हिला सकता है. But what should we put our faith in? बट हमें विश्वास किस पे रखना चाहिए, किस में विश्वास होना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस. यही एक क्वेश्चन है जो कि इस ये स्टोरी है जो हमें समझाना चाह रही है, बता रही है. लेंको इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रेंट आस्किंग 100 पैसोस. लेंको जो कि एक फार्मर है, पुअर फार्मर है, वो गॉड को एक लेटर लिखता है. किस लिए? जब उसकी फसल स्टॉर्म की वजह से, हेल स्टॉर्म्स की वजह से खराब हो जाती है. और वो गॉड को लेटर क्यों लिखता है? आस्किंग फॉर 100 पैसोस. 100 पैसोस की डिमांड करता है गॉड से. किस लिए? अपनी फैमिली को पालने के लिए और नया बीज बोने के लिए. पैसों क्या है? ये करेंसी है एक तरह की. दस लेंको'स लेटर रीच गॉड. क्या लेंको ने जो लेटर लिखा था वो भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या गॉड उसको पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. सोचो इन क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा. रियल में ये सोचने वाली चीज है ना. एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड. और सोचो कि आगे क्या हुआ होगा. क्या आपको लगता है कि भगवान ने उसको मनी भेजी होगी, या फिर आपके अकॉर्डिंग भगवान ने उसको लेटर का रिप्लाई दिया होगा? वो कहते हैं ना कि गॉड खुद हेल्प नहीं करते हैं, बट हमें किसी ने किसी तरह रास्ता दिखा देते हैं, है ना. देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. एक ऐसा घर जो कि पूरी वैली में एक ही था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था. क्रेस्ट का मीनिंग है टॉप ऑफ अ हिल. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. इस पहाड़ी से या उस घर से एक नदी अच्छी तरह से हम देख सकते थे, और दूसरा उसकी पकी हुई फसल डॉटेड मीन्स लदी हुई, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो कि फूलों से लदी हुई थी. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसको देख के लगता था कि इस बार फसल काफ़ी अच्छी होगी, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा. द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज अ डाउन पॉर और एट लीस्ट अ शावर. वो कह रहा है कि जो इस चीज़ इस टाइम अर्थ को जिस चीज़ की नीड थी, अर्थ मीन्स वो जमीन जिस पे उसकी फसल बोई हुई थी, नीड थी वो क्या था? डाउन पॉर, हल्की बरसात थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. लेंको अब पूरी मॉर्निंग के टाइम वो क्या करता है कि आसमान की तरफ देखता रहता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहां उसको लगता है कि आसमान में बादल होंगे, और बादल होंगे तो बरसात भी होगी, इसी की वेट कर रहा है वो. ठीक है. नाउ वी वर रियली गोइंग टू टेक सम वाटर. वुमन वुमन वो किसको कह रहा है? अपनी वाइफ को. वो कहता है कि वुमन मुझे लगता है कि रियली अभी कुछ बरसात होगी, हमें कुछ पानी मिलेगा. पानी का मीनिंग यहाँ क्या है? रेन ही है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर होता है रात का खाना. उसकी वाइफ जो कि खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. द ओल्ड बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. जो ओल्डर मीन्स बड़े लड़के थे वो तो खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. और जो कि छोटे लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे. कब तक खेलते रहे और बड़े कब तक काम करते रहे? अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर. जब तक कि लेंको की वाइफ ने उनको अंदर खाने पे के लिए बुला नहीं लिया. डिनर रात का खाना. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट खाना खाते हुए जस्ट एज लेंको हैड प्रिडिक्टेड जैसा कि लेंको ने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे. अप्रोचिंग मीन्स उनके उस एरिया तक आते हुए दिखाई दे रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. फ्रेश एंड स्वीट मीन्स जो अच्छी लगती है. हवा काफ़ी अच्छी लग रही थी, सुहावनी थी. द मैन, ये थोड़ा कम प्रिंट हुआ हुआ है ना. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर
of feeling the rain on his body. And when he returned, he explained, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. अब देखो वो किस लिए बाहर जाता है घर से, किसी और रीजन के लिए नहीं, बट उस रेन को, रेन की जो खुशी हो रही है उसको कि हाँ रेन हो रही है और रेन अच्छी हो रही है तो फसल भी अच्छी होगी, अब उस प्लेजर को फील करने के लिए, देखिए ये प्लेजर नहीं है ठीक है, इसको बोल रहे हैं प्लेजर, वो फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पे जो रेन ड्रॉप्स गिरेंगी उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर आता है. एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस घर पे जाता है तो वो क्या कहता है, अपने घर पे जाके कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये पानी की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये क्या हैं, दे आर न्यू कॉइन्स. वो कह रहा है कि ये तो कॉइन्स हैं. अब आपको क्या लगता है कि वो उन रेन ड्रॉप्स को कॉइन क्यों कहता है? उसको लगता है कि जैसे जितनी रेन होगी, उनकी फसल को रेन की नीड है ना, तो उसको लगता है कि रेन हो रही है, अब रेन हो रही है तो हार्वेस्ट अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी उनकी, और उसको बेच के हमें काफ़ी पैसा मिलेगा, इसलिए वो रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स कह रहा है. ठीक है, अंडरलाइन कर लेना आपको इन चीज़ों को, कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जब सीन पैसेज पूछे जाते हैं. तो अब आगे देखिए, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces. बिग ड्रॉप्स को वो क्या कह रहा है कि ये 10 cent के पीस हैं, एंड द लिटल वंस आर 5, और जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनको वो 5 cents के इक्वल कॉइन्स मान रहा है. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स. सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जब उसकी जो फसल है उसमें काफ़ी फूल आए हुए हैं, अब वो बरसात में लिपटे हुए हैं, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बट बड़ी जल्दी ही जो हवा है वो काफ़ी तेज चलने लगती है. अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स, जिसको कि हम ओले बोलते हैं, वो गिरनी शुरू हो जाती हैं. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब देखो ये राइटर कह रहा है, वो लेंकू नहीं कह रहा, वो क्या कहता है कि जो ये हेल स्टोन्स थे ना, ये सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे. कन्फ्यूज मत होना, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में पुट करता है क्वेश्चन कि जो लेंको है उसने किससे कंपेयर किया है, किसको, रेन ड्रॉप्स को, तो उसने कॉइन से कंपेयर किया है बिग रेन ड्रॉप्स को 10 cent piece से, और जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स हैं उनको 5 cent piece से. बट सिल्वर कॉइन्स किसने कहा है, ये राइटर ने कहा है ना. द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स. अब जो बच्चे हैं, अब उनको तो पता नहीं है ना किसका क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो किस लिए बाहर चले गए, फ्रोजन पर्ल्स. अब देखिए बच्चों के लिए राइटर ने इसको पर्ल्स कहा है, मोती कहा है, जमे हुए मोती कहा है ना, ध्यान रखना है. तो वो तो उनसे खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. अब लेंको ने क्या कहा, ये तो बहुत बुरा हो रहा है कि हेल स्टोन्स गिर रहे हैं. आई होप इट पासिस क्विकली, आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही बंद हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ये जल्दी बंद नहीं हुए. फोर एन आर द हेल रेंज ऑन द हाउसेस, तकरीबन 1 घंटे तक जो ओले हैं वो गिरते रहे. द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली. अब कहाँ गिरते रहे वो, उसके घर पे, गार्डन पे, हिल साइड, कॉर्न फील्ड जो पका हुआ उसका खेत था अनाज से, और पूरी वैली में ओले गिरते रहे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और फील्ड जो था उसका खेत था ऐसा लग रहा था जैसे सॉल्ट से इसको कवर कर दिया गया हो. वाइट होती है ना हेल स्टोन्स, और दूर से वो एक ऐसा लग रहा था कि पूरे खेत के ऊपर वाइट कलर की चादर बिछा दी गई है, या नमक के जैसा फील हो रहा था. नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे भी कोई पत्ता बाकी नहीं बचा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा अनाज खत्म हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था. द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी पौधों से गिर चुके थे. लेंको सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंको क्या हुआ, दुखी हो गया. वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लॉक्सटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब जैसे ही हेल स्टोन्स बंद हो जाती हैं तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और क्या कहता है कि इससे तो लॉक्सटस क्या होते हैं, एक तरह के इंसेक्ट्स होती हैं, है ना, जैसे कि
अपने पीछे थोड़े टाइम पहले बोला जाता था ना कि टिड्डी दल आया है, उसी की तरह से कि वो कह रहा है कि अगर लॉक्सटस भी आती हैं वो भी इससे कुछ ज्यादा छोड़ देते, मीन्स इतना डिस्ट्रॉय तो नहीं होता हमारा खेत। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बट इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे यहाँ किसी तरह की कोई फसल नहीं होगी। द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये रात जो है वो बहुत दुख की रात थी उनके लिए। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, वो कहा, उसने क्या कहा कि हमने जो वर्क किया उसका कुछ नहीं मिला हमें, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो हमें बचा सके, कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखे मरना पड़ेगा। देखिए इसमें वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड लैंको होप फॉर, लैंको ने किस लिए होप की। लैंको होप्ड फॉर अ डाउनपोर और अ लिटल शावर, उसने हल्की बरसात की आशा की। व्हाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, लैंको ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइंस के जैसे थे, क्योंकि उसको लगा कि जैसे ही ये रेन ड्रॉप्स गिरेंगी, कुछ बरसात होगी तो उससे मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, उनको कमा के उस फसल को बेच के उसको काफ़ी पैसा मिलेगा। दैट्स वाई। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गई, जल्दी से बहुत तेज हवा चली और रेन किस में चेंज हो गई, हेल स्टोन्स में। व्हाट हैपन टू लैंकोज फील्ड्स, लैंको के फील्ड्स को क्या हुआ, लैंको के खेत जो थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए, वहाँ कुछ भी अनाज नहीं बचा था। व्हाट वर लैंकोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल ओले जो हैं वो बंद हुए तो लैंको की फीलिंग क्या थी। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत सैड था, उसको लगा कि हमने जो कुछ भी वर्क किया वो सब वेस्ट हो गया और इस साल हमारे यहाँ किसी तरह का कुछ खाना या फसल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।